शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोरोना संक्रमण के तहत लगभग लॉकडाउन जैसी स्थिति ने शहर के गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों की मानो कमर तोड़ के रख दी है। ऐसे में स्थानीय श्री पानबन संस्था द्वारा संचालित कल्पतरु बालक मंदिर, स्वर्गीय सुभद्राबाई मानिकराव महिंद्रे उच्च प्राथमिक मराठी स्कूल तथा सरुबाई पाटिल इंग्लिश स्कूल के संचालक मंडल ने आगे आते हुए जिन अभिभावकों ने बीते सत्र में फीस अदा कर दी है उन अभिभावकों को आगामी शिक्षा सत्र के फीस में 50% की छूट देने का निर्णय लिया है। कोरोना संक्रमण के संकट की वजह से शुरू तालाबंदी ने कई परिवारों को आर्थिक तौर पर तोड़ के रख दिया है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे देश भर के मध्यम तथा गरीब तबके के माता पिता न सिर्फ अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर परेशान हैं, बल्कि आगामी शिक्षा सत्र की फीस अदा करना भी उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं। यही हाल दिग्रह शहर और ग्रामीण विभाग के लोगों का भी है। इसी बात के मद्देनजर दिग्रह शहर के श्री पानबन संस्था द्वारा संचालित कल्पतरु बालक मंदिर, स्वर्गीय सुभद्राबाई मानिकराव महिंद्रे उच्च प्राथमिक मराठी स्कूल तथा स्वर्गीय सरुबाई पाटिल इंग्लिश स्कूल के संचालक मंडल ने एक काबिले तारीफ पहल को अंजाम दिया है। संस्था चालकों द्वारा हाल ही में आयोजित एक बैठक में शहर तथा तहसील के ग्रामीण विभाग के गरीब और मध्यम वर्ग के अभिभावकों के लिए आगामी शिक्षा सत्र की फीस में 50% की छूट देने की घोषणा की। मालूम हो कि यह सहूलियत केवल उन लोगों के लिए है जिन्होंने बीते सत्र की पूरी फीस अदा कर दी है। इस संदर्भ में संस्था के संचालक श्याम पाटिल ने इनबीसीएन न्यूज के माध्यम से अभिभावकों को जानकारी दी है। पानबन संस्था दिग्रस के माध्यम से कल्पतरु बालक मंदिर, सुभद्राबाई महिंद्रे प्राथमिक मराठी शाला और सरुबाई पाटिल इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाई जाती है। इस स्कूल में मध्यम और निम्न वर्ग के छात्रों का प्रमाण अधिक है। इस वर्ष कोरोना की वजह से सभी पे इसका बुरा असर हुआ है, इसीलिए संस्था ने ऐसा अहम फैसला लिया है कि जिन छात्रों ने पिछले वर्ष की फी पूरी भर दी है उन छात्रों के लिए चालू सत्र में 50% की छूट देने का प्रस्ताव रखा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी पालकों को ऐसी विनंती करता हूं कि इस योजना का वो ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाए। गौरतलब है कि संस्था की इस काबिले तारीफ पहल से कई गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को अब राहत मिलना तय है। यही वजह है कि शहर और परिसर में हर स्तर पर अभिभावकों और नागरिकों द्वारा इस निर्णय का स्वागत किया जा रहा है। बीसीएन न्यूज के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट।